अस्सलामु अलैकुम माय व्यूअर्स, होप यू ऑल डूइंग वेल। मैं हूँ मलाइका और आप देख रहे हैं मलाइका फूड सीक्रेट्स। आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी गोश्त के सालन की रेसिपी। आपने बहुत तरह के गोश्त के सालन बनाए होंगे, लेकिन इस तरीके की जो रेसिपी ये बहुत ईजी भी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे प्रेशर कुकर और उसमें डाल देंगे गोश्त। गोश्त मैंने लिया है गाय का आधा किलो, आप मटन भी ले सकते हैं। और उसमें हम ऐड कर लेंगे प्याज 5 अदद। प्याज को मैंने पील ऑफ कर लिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, ये 5 से 6 अदद हैं। और इसके ऊपर वाले पार्ट को हम रिमूव कर देंगे काट के। और उसके बाद ये सारा ऐड कर लेना है। ये है लहसुन और इसको हमने पील ऑफ करके करना है। और लहसुन ऐड करने के बाद इसमें जाएगी हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। और अब हम इसमें डाल देंगे पील ऑफ किया हुआ लहसुन और अदरक। तो यहाँ पे लहसुन अदरक डालने के बाद इसमें डाल देना है नमक योर टेस्ट। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून लिया है। और ये है हल्दी पाउडर, ये भी 1/2 टेबल स्पून ही जाएगा इसमें। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, जितना हमने गोश्त को कुक करना है उसके मुताबिक पानी डाल के प्रेशर कुकर को अच्छे से बंद कर लेंगे। और लगा देंगे इसके ऊपर सीटी और अब हम इसको अच्छे से कुक होने देंगे। यहाँ पे हमारे 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम प्रेशर कुकर को खोल लेंगे। जो हमारा गोश्त है वो अच्छे से कुक है और ये जो वेजीज है ये भी अच्छे से कुक है। अब हम क्या करेंगे, जो टमाटर और प्याज है वो बिल्कुल गले हुए हैं। अब हम टमाटर को बिल्कुल एहतियात से चम्मच में लेंगे, ये ना हो कि मैश ना हो जाए प्रेशर कुकर में ही। तो करना क्या है, बिल्कुल एहतियात से चम्मच से उठा के इसके जो छिलके हैं वो आराम से रिमूव कर देंगे। और उसके बाद जूसर ब्लेंडर में डाल देना है इसको। प्याज को भी डाल देंगे और टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन अदरक जो भी हमने इसमें ऐड किया था साबुत, वो जूसर ब्लेंडर में डाल देना है और इसको अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ग्रेवी हमारी रेडी है और जो हमारा गोश्त है वो भी अच्छे से कुक है। अब हम लेंगे एक पतीला, डाल देना है उसमें ऑयल, साथ में जाएगा ये ग्रेवी। और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जूसर ब्लेंडर में पानी डाल के इस तरीके से डाल दिया है। अब हम ग्रेवी को अच्छे से भून लेंगे जब तक ग्रेवी का ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे जो हमारी ग्रेवी है वो अच्छे से भुन गई है। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले नमक, नमक थोड़ा सा कम जाएगा क्योंकि पहले हमने गोश्त में डाला था इसलिए। और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी में मसाले डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से पका लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त और उसका सूप। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें 4 से 5 अदद। ये डालने के बाद फ्लेम कर लेना है बिल्कुल लो ताकि जो हमारा ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। यहाँ पे हमारा गोश्त का सालन एकदम मज़ेदार सा रेडी है और बहुत ही ईजी सा है। एक ही प्रेशर कुकर में सारी साबुत चीज़ें डाल के गला लें और उसके बाद ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसे भून लें और ये हमारा जो सालन है गोश्त का वो रेडी है। और इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, साथ में बेल आइकन को ऑन करने से मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगी मेरे चैनल पे। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना मत भूलें अपने प्यारों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें और दुआओं में याद रखें।